नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। ये वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। हमारे कुछ दर्शकों एवं श्रोताओं ने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि आप हमेशा राम कह के संबोधित करते हैं, ना भगवान राम, ना प्रभु राम, ना श्री राम, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन हाँ बहुत पहले पूछ सकती थी तुमने, आज पूछा है, फिर भी अच्छा है। पूरी वाल्मीकि रामायण में जी जो संस्कृत का मूल पाठ है जी, कभी भी महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ना प्रभु राम का किया है, ना भगवान राम का किया है। तो स्वाभाविक है कि मैं महर्षि वाल्मीकि से आगे निकलने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता जी। मैं उनके पीछे चलने वाला एक छोटा सा तुच्छ सा व्यक्ति हूँ जी। तो जो उन्होंने किया वो कर रहा हूँ, वो जैसा संबोधित करते रहे मैं वैसा ही कर रहा हूँ जी। दूसरी बात कि यदि हम लोक परंपरा की बात करें, ये तो शास्त्र की बात हुई जी, अगर हम लोक परंपरा की बात करें तो लगभग पूरे उत्तर भारत में अभिवादन जो है वो राम राम होता है, जय सियाराम होता है जी। आप मथुरा के आसपास चले जाएं तो लोग कहेंगे राधे राधे जी। कोई कभी ऐसा कहता है श्रीमती राधे, श्रीमती राधे? नहीं, नहीं कहता ना, नहीं। यहां तक कि यदि आप याद करो तो एक व्यक्ति के बारे में, उनके दिल्ली में राजघाट में समाधि है, लिखा हुआ है हे राम जी, हे श्री राम तो नहीं लिखा, नहीं, हे राम ही लिखा ना जी। तो लोक परंपरा में भी केवल राम कहने की परंपरा है, कृष्ण कहने की परंपरा है जी। जय श्री कृष्ण जरूर एक संप्रदाय विशेष के लोग कहते हैं जी, और वो संप्रदाय भी पिछले कुछ शतकों में उभरा है। साधारणता जी राम या कृष्ण कहते हुए श्री लगाने की परंपरा नहीं है। पिछले 3-4 दशकों में जी, ये एक राजनीतिक नारे के रूप में उभरा जब लोग जय श्री राम कहने लगे जी। अभिवादन जो है वो या तो राम राम है या जय सिया राम जी। ये श्री राम कहना ना तो शास्त्रों के अनुसार है, लोक परंपरा के अनुसार है। एक और मेरा मानना है जी, कि राम अपने आप में संपूर्ण है जी, राम के आगे कोई विशेषण नहीं लग सकता। ये ऐसा है, जरा थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा जी। यदि मैं अपने दो मित्रों से मिलूं जी, एक मित्र के बारे में कहूं कि ये बिल्कुल परफेक्ट जी, ये परफेक्ट जी, मैंने कहा ही इज परफेक्ट जी, और दूसरे व्यक्ति के बारे में कहूं ही इज वेरी परफेक्ट, तो मैंने क्या किया, पहले वाले का अपमान कर दिया जी, कि यानी ये इसमें कुछ कमी है क्योंकि हाँ, दूसरे वाला वेरी परफेक्ट है और ये केवल परफेक्ट जी, अर्थात अपमान हो जी। तो राम के आगे कुछ भी लगाना राम का अपमान है। राम अपने आप में संपूर्ण है, उनके आगे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप राम के आगे कुछ भी लगाते हैं तो राम का सम्मान बढ़ता नहीं, क्योंकि राम का तो सम्मान इतना कि बढ़ा ही नहीं सकते आप। अब राम का सम्मान कैसे बढ़ाओगे जी, कृष्ण का सम्मान बढ़ा नहीं सकते आप जी, वो तो सर्वोच्च, जो सर्वोच्च है उसके आगे पद कुछ ऐसा लगाना वो भी ठीक नहीं। और एक व्यक्तिगत रूप से भी मैं एक राइट मानना है कि हम लोगों के लिए राम कोई बहुत ऊंचे बैठे हैं और मैं नीचे बैठा हूं, ऐसा नहीं है जी। हम तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव जी, राम मेरे बंधु भी हैं, सखा भी हैं, मैं तो राम और कृष्ण के कब्र में हाथ डाल के नृत्य कर सकता हूँ जी, तो मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं जी। जब मैं उस भाव में राम को लेता हूँ जी, तो इस तरह की बातें कि श्री लगाइए, और अगर मैं श्री लगाना प्रारंभ कर दूं तो कुछ संतों में मैंने देखा वो श्री श्री 108 लिखते हैं,
कुछ श्री 1008 लिखते हैं, तो मैं राम के आगे कितने श्री लगाऊंगा जी। ये सबसे राम का अपमान होगा जी। उसी तरह राम के आगे जी लगाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग लोक परंपरा में भावना से तुम भी कई बार लगाते हो, मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं जी। जी जी जो है वो भी श्री का ही अभ्रंश रूप जी, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, या तो कहते हैं तो श्री लगाओ या जी लगाओ, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। राम इतने सर्वोच्च हैं कि उनके आगे कुछ लगाने पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको याद करने के लिए मन में प्रेम चाहिए, और यदि प्रेम है जी तो शब्दों में क्यों लझ रहे, प्रेम से याद करो। और जितने छोटे ढंग से आप याद करो, उनके गुणों को अपने में अपनाओ, उतना राम आपके मन में आएंगे। शब्दों में जी उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम राम जी कहती हो, कई बार प्रभु राम कहती हो, मैंने तुम्हें टोका नहीं जी। तुम्हारे दिल की बात है, तुम्हारी इच्छा जैसे करे सब ठीक है। मन में प्रेम रहे, राम के आगे लगाने की आवश्यकता या पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। राम के साथ जो लग सकता है एक नाम, बस वो एक ही, वो है सीता का। सीता से राम की संपूर्णता पड़ जाती है। सीता राम अपने आप में एक है, जी। उनको अलग नहीं किया जाता, इसलिए सीताराम कहा जाता है, जय सियाराम कहा जाता है, जय श्री राम नहीं, ये पारंपरिक नहीं, इसलिए मैं केवल राम कहता हूँ। और जो लोग इससे बुरा मानते हैं उनसे क्षमा प्राप्त। आपने बहुत सुंदर बात बताई और जो बहुत ज्ञानवर्धक स्पष्टीकरण दिया, इससे जो मेरे मन में की भी जो जिज्ञासा था हुई वो शांत हुई। अब हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात क्या हुआ? महाराज दशरथ का देहांत रात्रि को हुआ जी। सूर्योदय के पूर्व ही जो परंपरा थी, जो लोग आते थे सूर्योदय के पूर्व, अलग अलग लोग राजमहल में आते थे, वो आए, उन्होंने हाथ लगाया, पता लगा कि अब महाराज नहीं रहे। तुरंत मंत्रियों को सूचना दी गई, मंत्रियों ने, अभी सूर्योदय के पूर्व ही सब मंत्री आ गए, सबको चिंता हुई कि अभी इनका तो कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है जी। राम और लक्ष्मण वन में जा चुके हैं जी, भरत और शत्रुघ्न तो मामा के घर हैं जो बहुत दूर हैं जी। तो तुरंत व्यवस्था की गई कि विशेष तेलों में उनके शरीर को जी रख दिया जाए, एक बड़े बर्तन में विशेष तेलों में, ताकि जो उनका शरीर सुरक्षित है, रखा जाए। उसके बाद सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के बाद राज्यसभा एकत्र हुई, विशेष परिस्थिति बन गई थी तो सब एकत्र हुए जी। और महाराज वशिष्ठ से सबने कहा, मैं शब्द महाराज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि वो राजा थे जी, इसलिए हम कि हमारे यहाँ महर्षि को भी महाराज कहने की परंपरा है। और अब जब महाराज दशरथ नहीं रहे जी, तो वो लगभग महाराज की ही स्थिति में थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ से सबने कहा जी कि अब आप ही, उनके जाने के बाद आप ही के सर पे सारी जिम्मेदारी है जी, और आप शीघ्रातिशीघ्र किसी को राजा घोषित करें जी, क्योंकि ये राज्य कोई भी हो बिना राजा के नहीं चल सकता, ये उचित नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि राज्य का भार उठाने के लिए महाराज दशरथ ने जाने के पूर्व जिसके बारे में मन बना लिया था, जिसके बारे में वचन दे दिया था जी, वो राजकुमार भरत ही हैं जी। तो राजकुमार भरत को शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जाए। और उन्होंने व्यवस्था की कि कुछ घुड़सवार जो जल्दी से जल्दी तेजी से जा सके जाएं, और कह के जिस प्रदेश में जहाँ मामा का घर था, नाना का घर था भरत का, वहाँ से उनको बुला के लाया जाए जी। उन दूतों को विशेष निर्देश दिए गए जी कि जाओ उनको बुला लाओ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि उनके पिताजी महाराज दशरथ का देहांत हो गया है। वो पूछें कि सब अयोध्या में कैसे हैं,
जी, तो कहना सब सकुशल है। अब आप एक बात देखिए जी, कि ये निर्देश कौन दे रहा है? गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ और वे दूत को क्या कह रहे हैं कि भरत से झूठ बोलना जी, कि सत्य वाचन मत करना जी, वहां झूठ बोलना। तो हमें जीवन में सत्य के मार्ग में चलना है जी, और सत्य का मार्ग कौन सा? जो धर्म का मार्ग है वो सत्य का मार्ग है। धर्म और सत्य एक ही है, धर्म ही सत्य जी। लेकिन सदा सत्य बोलना है जी नहीं। खुद गुरुदेव वशिष्ठ दूत से कह रहे हैं कि वहां जाना और वहां जाके ये झूठ बोलना जी कि अयोध्या में सब सकुशल है। क्यों कहना? क्योंकि वो इतनी दूर की यात्रा करनी है, वो अगर परेशान हो जाएंगे तो इतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे जी। इसलिए ये उनको बोल के बड़े कुशल भाव से, अच्छे भाव से ले आओ। और ये करके ये दूत रवाना हुए जी। कई दिन लगे, पहुंचे जी। और वहां जाके वे कहके में पहुंचे और राजकुमार भरत से मिले। जब दूत कैकेयी राज्य पहुंच गए तो फिर उन्होंने वहां क्या कहा, किन से मिले? वो स्वाभाविक है कि राजकुमार भरत अपने नाना अपने मामा की अनुमति के बिना तो वापस नहीं आ सकते थे जी। तो वो सबसे मिले, और क्योंकि ये कोई मृत्यु का समाचार देने नहीं गए थे जी, तो ये अपने साथ सब तरह के भेंट लेके गए थे ताकि उनको कोई आशंका ना हो कि बिल्कुल कि ऐसा कोई आशंका ना हो कि कुछ अनहोनी हुई है, कुछ अनिष्ट है। हाँ, भरत बड़े कुछ दिन से बड़े अनमने थे। वो अपने मित्रों कहते थे कि मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं जी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा, बहुत अनिष्ट हो गया है कहीं जी। और क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, पर मैं ना मेरा किसी आमोद प्रमोद में मन लग रहा है, ना बातचीत में मन लग रहा है, कुछ अनिष्ट है जी। और वो उस अनिष्ट की उनके मन में आशंका थी। इतने में अयोध्या से दूत आए तो उन्होंने पहले पूछा कि सब ठीक है जी, सब कुशल है, सब कुशल, हाँ सब सकुशल। तो वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए जी, लेकिन मान लिया ठीक है चलो चलते हैं। तो जब भरत अयोध्या पहुंच गए तो उन्होंने वहां क्या देखा? वहां से कि नाना ने उनको विदा किया जी, विदा कर रहे थे, हर तरह की भेंट दी, बहुत सारी गाड़ियों में सामान लंबा चौड़ा जी, फिर भी बहुत तेजी से चलते हुए पहुंचे जी। लगभग 7 रातें लगी उनको वहां से अयोध्या पहुंचने, इतनी दूरी थी जी। 8वें दिन वो पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या हो गया अयोध्या को, अयोध्या में जीवन नहीं है, सब कुछ निर्जीव है जी। ये घरों के सामने की जगह साफ होती थी, झाड़ू लगाते थे लोग यहाँ घरों के सामने जी। ऐसा लगता है घरों के सामने झाड़ू नहीं लगा है, ऐसा लगता है चूल्हे भी नहीं जले हैं जी। पूरी निर्जीव सी नगरी क्यों पड़ी है? ये तो मेरी बहुत अच्छी नगरी होती थी जी। ये ऐसी नगरी होती थी, लगता था लोग शाम को प्रेमी जुगल जो है शाम का संध्या काल में अच्छे जो बगीचे होते थे वहां जाके विचरण करते थे, बड़े स्त्री पुरुष विचरण कर रहे होते थे, मजे का माहौल होता था जी। आज तो मुझे किसी बगीचे में कोई नहीं दिख रहा, ये ऐसा सूनापन क्यों है? इस सूनेपन के इस मन को लेते हुए कि इस सूनेपन को लेते हुए पहुंचे वो महल पहुंचे जी। साधारणता उनके पिता की माता कैकेयी के महल में ही होते थे, तो उसी महल में पहुंचे, अंदर गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे महल में तो माता कैकेयी ने भरत से क्या कहा? उनको वो दुखी थी कि या फिर वो खुश थी? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रसन्न थी वो। तो उसने तो ऐसा कहा, अरे मेरा बेटा तू आ गया, बड़ा आनंद हुआ, उसको गले से लगाया, उसका माथा चूमा, उसको बिठाया, बोले मैं तेरे लिए खाने के लिए क्या लाऊं, तू थक गया होगा, बैठ और मुझे बता वहाँ कैकेयी में सब ठीक है और मेरे पिता कैसे हैं और मेरा भाई जुधाजी तेरे मामा कैसे हैं, तेरे नाना कैसे हैं, वहां पर सब बाग बगीचे शहर सब ठीक है, आनंद मंगल।
तो इसने सब बताया कि हाँ वहां सब आनंद मंगल है, ऐसे है ऐसे है, सब अपना कथा बताता रहा। तो फिर माता कैकेयी ने वहां अयोध्या के बारे में कुछ नहीं बताया उन भरत को? जब ये सब बता चुका है भरत, तो भरत ने पूछा कि ये कुछ मुझे अयोध्या में कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। मैं आया तो अयोध्या में जैसे जीवन नहीं बचा है, अयोध्या में बड़ा सूनापन है, सबके चेहरे उतरे हुए थे, और यहाँ आपके महल में हमेशा मुझे महाराज मिला करते थे, महाराज कहाँ है, बात क्या हुई है मुझे बताइए जी। तो उस समय फिर कैकेयी ने कहा कि जो सब प्राणियों की गति होती है जी, वही तुम्हारे पति को, पिता को भी प्राप्त हो गई है, और वो अगले लोक को प्रस्थान कर गए। भरत ने पूछा होगा कि वो कैसे मृत्यु हुई उनकी, कब मरे? एकदम वो तो घबरा गया कि ये क्या हो गया जी, और मेरी माता इतनी प्रसन्नता से बैठे मेरे से वहां का हालचाल पूछ रही है, यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है और मुझे बता ही नहीं रही है जी। वो एकदम जमीन पे बैठ गया, रोने लगा, बोली कैसे हुआ जी, क्या हुआ, मुझे अच्छे से बताओ, मुझे ये भी बताओ कि जाते हुए मेरे लिए कुछ कह के गए हैं क्या जी? उनके अंतिम शब्द क्या थे? कुछ तो कहा होगा उन्होंने जी, तो कभी अनपेक्षित है पूरी तरह, क्या बात हुई जी? तो कैकेयी ने कहा कि वो जाते हुए यही कह रहे थे कि वो भाग्यवशी वाले होंगे, इनका सौभाग्य होगा वो राम और सीता लक्ष्मण को 15 वर्ष बाद जब वो वन से लौटेंगे तब उनके दर्शन करेंगे। फिर अब ये राम जी जो वन में गए उसके बारे में भी कुछ पूछा होगा भरत ने कि वो क्यों गए वन में? और वो भरत अब और चौंक गया कि ये क्या हो गया, बोले आप कैसी बात कर रहे, राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए, क्या हुआ, राम ने कुछ गलत काम कर दिया जी, राम ने किसी ब्राह्मण का धन हड़प लिया जी, राम ने किसी निर्दोष की हत्या कर दी जी, राम ने किसी पर स्त्री पे नजर डाल दी जी, कि भाई किसी और की पत्नी है और उस पर नजर डाल दी हो जी, ऐसा कुछ हो गया तो हाँ होता है कि वन में भेज दिया जाता है, राज्य से निकाल दिया जाता, ऐसा कुछ हो गया क्या जी? तो कैके बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई जी, राम तो ऐसा कर ही नहीं सकते जी, राम ने ना किसी पराई स्त्री पे नजर डाली, वो तो डाल ही नहीं सकते जी, ना उन्होंने किसी की निर्दोष की हत्या की, वो ऐसा भी नहीं कर सकते, वो न्याय के इतने प्रिय हैं जी, और ना ही उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन हड़प लें, वो तो दान करने वाले हैं, वो क्यों हड़पेंगे जी, ये तू ऐसा गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं हुआ जी। तो भरत और चौंक गया कि ये तो कैसी बात कर रही जी, कि ये सब भी नहीं हुआ फिर भी राम वन में चले गए जी, उसने कहा फिर हुआ क्या जी? तो फिर कैकेयी बोली ने बताया कि देखो मुझे पता लगा था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और मैं ये नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो जी, और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने सब ये प्रपंच रचा जी, और मैं सफल हो गई देखो, और अब तुम बस कोई ज्यादा विचार मत करो, अब तुम बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, राज्याभिषेक करा के राज्य करो, अब तुम्हारा ये निष्कंटक राज्य है, तुम्हारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, मैंने सारी अड़चनें हटा दी, अब तुम तो बस आनंद करने का तुम्हारा टाइम है जी, राज्याभिषेक का करके राजा बन के जीवन का सुख भोगो। तो बड़ी प्रसन्न भाव में थी, उसके विजय का क्षण था उसके लिए। महाराज दशरथ की मृत्यु का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रसन्न थी कि मैंने जो कुछ अपनी रचना रची थी मैं उसमें कामयाब हो गई, उसमें कामयाब हो गई, और अब वो अपने पुत्र से उस खुशी को बांट रही थी कि देख मैंने तेरे लिए ये सब किया है, आ देख इसका आनंद ले। उसे लग रहा था कि उसका पुत्र बहुत खुश होगा, खुश होगा, उसे धन्यवाद देगा।
तो ये भरत की क्या प्रतिक्रिया रही थी जब ये सारी चीजें जानने के अरे बाद? भरत की प्रतिक्रिया मत पूछिए। भरत एकदम बैठ के रोने लगे और क्रोधित हो गए। अभी तक जो अपनी माता से बहुत सम्मानजनक भाषा में बात कर रहे थे, जी उनकी भाषा बदल गई। तूने ये क्या किया हे कलंकिनी, तूने मुझे पहला दुख दिया कि राम को वन में भेज दिया, दूसरा दुख दिया कि मेरे पिता की हत्या कर दी, तूने मेरे घावों पे नमक डाला है, तू तो किसी योग्य नहीं है, तो कुल विनाशिनी है। मेरे पिता ने बहुत बड़ी गलती की जो तुझ जैसी को हृदय से लगाया, तो किसी योग्य नहीं है, तू तो कुल विनाशिनी है, तूने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया है, मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए, तू तो बिल्कुल बात करने योग्य नहीं है, वो तो मैं तुझे अभी छोड़ देता, लेकिन मुझे मालूम है कि राम जो है वो तुझ तेरे साथ बिल्कुल माता जैसा व्यवहार करते, और यदि मैं उनकी माता जी का त्याग करूंगा, उनसे दुर्व्यवहार करूंगा, तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे, जी इसलिए मैं तुझे त्याग नहीं कर रहा हूं। इतने अच्छे राम के साथ तूने ये किया, और वो माता कौशल्या जो तुझे बहन की तरह मानती हैं, जी जिन्होंने कभी तेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, जी सदा तेरे को सम्मान दिया, तूने उनके साथ ये किया, तू कैसी औरत है? राम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बुराई देखते ही नहीं है, जो सदा शूरवीर हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जो यशस्वी हैं। मेरे पिता भी राज्य चलाने के लिए उन पर आश्रित थे, उनसे सलाह लेते थे, उनकी शूरवीरता, उनकी यश, उनके धर्मात्मापन पे आश्रित थे, और तूने ये सोच लिया कि मैं बिना राम और लक्ष्मण के ये राज्य चला लूंगा, तो बहुत बड़ी मूर्ख है। बिना राम लक्ष्मण के मैं ये राज्य नहीं चला सकता, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है। ये तो तू ऐसी बात कर दी कि बछड़े को बोला कि तू बैल का बोझा ढो ले, मैं नहीं ढो सकता, ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल मत सोचना ऐसा जी। और अगर मुझ में थोड़ी बहुत किसी तरह मैं लोगों को इकट्ठा करके कुछ शक्ति एकत्र करके चलाने की मुझ में क्षमता भी आ जाए जी, तो भी मैं ये पाप पूर्ण कार्य नहीं करूंगा। तेरे जो पाप पूर्ण इरादे हैं जी, वो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा, मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता जी। तूने धर्म को पूरी तरह त्याग दिया, इसलिए तू भी त्याग करने योग्य है, तू राम की माता नहीं होती तो तुझे मैं त्याग ही कर देता जी। तुझे राम राजधर्म का बिल्कुल विचार नहीं रहा जी। राजाओं में बड़ी पुरानी परंपरा है, हमारे इक्ष्वाकु कुल में भी ये परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है और बाकी पुत्र जो है उसकी मदद करते हैं जी। और अगर धर्मानुसार बात करें जी, तो बात यह है कि जो व्यक्ति योग्य हो जी वो बने, तो जी। दोनों हिसाब से राम ही राजा बनने के योग्य है। ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं राजा बन जाऊं जी, ये तो तुझे करना ही नहीं चाहिए था। तूने ये करके हमारी पूरी कुल परंपरा को कलंकित कर दिया है, हमारे पूर्वजों का ये दुर्भाग्य है कि तुझ जैसी बहू हमारे स्कूल में आई, आनी ही नहीं चाहिए थी, तू तो हर तरह से बुरी है। और तूने पता नहीं क्या सोच के किया, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था, महाराज दशरथ ने तेरा क्या बिगाड़ा, माता कौशल्या ने तेरा क्या बिगाड़ा कि उनके साथ तूने ऐसा किया, तू तो है ही खराब, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तूने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि तूने सदा के लिए मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो शंका है कि तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति कहके राज की पुत्री भी है कि नहीं, या कोई राक्षसी हमारे घर में गुस्सा ही है, तू उनकी पुत्री कहलाने योग्य भी नहीं है। उन्हें माता कौशल्या इतनी धर्मात्मा है जो हर तरह से योग्य है, हर तरह से धर्म के मार्ग पर चलने वाली, तूने उनको इतना बड़ा शोक दिया, इतना बड़ा दुख दिया पुत्र विछोह का,
तो निश्चित नरक में जाएगी। और इस लोक में तो तेरे पति तुझे छोड़ ही गए हैं, अगले लोक में भी तू नरक में जाएगी और अपने पति से कभी नहीं मिलेगी, तू अलग ही रास्ते जाएगी, तू हमेशा दुख पाएगी इस लोक में भी और अगले लोक में भी। मैं तो इस कलंक को लेके जी नहीं सकता, तूने जो मुझे कलंक दिया मैं इससे जी नहीं पाऊंगा, मुझे ये कलंक अपने माथे से हटाना होगा, मैं तेरी योजना पूर्ण नहीं होने दूंगा, मैं राम को लौटाने के लिए वन में जाऊंगा, मैं इस राज्य में रहूं और राज्यवासी मुझे देखकर आंसू बहाएं कि ये देखो ये जा रहा है जिसके कारण राम वन में गए थे, मैं ऐसा पाप नहीं सह सकता, मैं ऐसा पाप को वहन कर ही नहीं सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है और मैं इस पाप को लेके तो का बोझ लेके जीवन भी नहीं जीना चाहता, मैं तो अपने माथे पे लगाई कलंक धोऊंगा और हे पापिनी, हे कुलक्षणी, हे कुल विनाशिनी, हे कुल घातिनी, तो सुन अब तेरी कोई गति नहीं, तो या तो आग में कूद जा या अपने गले में रस्सा बांध के लटक जा या किसी वन में जाके अब गुम हो जा, तुझे जो करना है कर, मैं तो अपना पाप धोऊंगा। और ये कहते हुए रोते हुए बिल्कुल बेसुध हो गए। भरत का जो आक्रोश है और जो शोक है बहुत ही मार्मिक है, और हम कह सकते हैं कि उनमें पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा है ना कि माँ के, और इस कह सकते हैं कि माँ केकई के लिए जो विजय की घड़ी थी उसमें भी उनके बेटे ने साथ नहीं दिया, इस दुष्कर्म ही कह सकते हैं एक कृत्य में। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।